उधर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देख के बात करो। क्या देखो? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जिद, बरसों से देखता आ रहा हूँ। मन भर गया अब मेरा। हाँ हाँ, अब तो मन भरेगा ही ना। अब तुम्हें क्यों मेरी फिक्र होने लगी? क्यों? तुम्हारी फिक्र करने के लिए है ना वो तुम्हारे भैया और भाभी। जी हाँ, मेरे भैया भाभी हैं। अरे मेरे भैया भाभी ने प्रांजल का रिश्ता तय करवाया। अगर तुम्हारे भरोसे बैठी रहती ना तो मेरी प्रांजल तो कुंवारी रह जाती। लेकिन अब तो उसकी सगाई सर पर है। तुमने तो अब तक पैसे भी नहीं दिए। इसे क्या देख रहे हो? अरे तुम मेरी एक बात क्यों नहीं समझते? लड़के वालों पर हमारा पहला इम्प्रेशन है। अगर हमने प्रांजल की सगाई धूमधाम से की ना तो लड़के वालों को भी लगेगा कि हम खाते पीते घर के, वरना वो तो हमें भिखारी समझेंगे। दो चार हजार की तो बात है नहीं, 30-40 हजार कहाँ से होगा इंतजाम? अम्मा, ये रहे पूरे 50,000 रुपए। प्रांजल की सगाई बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप चाहते। प्रकाश, ये पैसे तुमने कहाँ से लाए? डैड, मैं जानता था कि पैसों की जरूरत पड़ी थी, इसलिए मैंने अपने बॉस से पहले ही बात कर ली थी कि अपनी बहन की सगाई के लिए मुझे कुछ एडवांस चाहिए, और एडवांस मिल गया। सुमन कहाँ है? देखा कितना उत्साह है बच्चों। अरे वो अपनी जान से ज्यादा प्रांजल को चाहते हैं, मुझसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत करते हैं। इन पे भरोसा करना सीखो, भरोसा करना सीखो।